Number two, find the area of circle x square plus y square equal to 25. तो सबसे पहला हम सर्कल के इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25. वहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर एंड देयरफॉर y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस x स्क्वायर. तो ये हो गई हमारी y की वैल्यूज. उसके बाद हमें लिमिट्स चाहिए. सो टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 विथ x एक्सिस. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुट y इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन. पुट y इक्वल टू 0, सो वी गेट x स्क्वायर प्लस 0 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सो x स्क्वायर इक्वल टू 25. On further simplifying, taking square root on both side, so we get x is equal to plus minus 5. Therefore, we have x is equal to 5 or x equal to minus 5. So, उसके बाद हम drawing करते हैं. अब ये जो इक्वेशन है सर्कल का x square plus y square equal to 25, तो इसमें सेंटर जो है वो 0, 0 है. इसका मतलब है इसके सेंटर है एट द ओरिजिन एंड रेडियस r इक्वल टू 5. सो ये हो गया x एक्सिस. लेफ्ट में आया x डैश, अपर y एंड बिलो y डैश. तो ये हो गया हमारा सर्कल का ज्योमेट्री कि जिसका इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25. दिस पोर्शन रिप्रेजेंट सेंटर दैट इज 0, 0 एंड OA दैट पार्ट रिप्रेजेंट रेडियस दैट इज 5. तो अब हमें हमारा क्वेश्चन है कि हमें इंटायर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है. So instead of finding entire area, we find area of that portion which is present in first quadrant only. तो जो portion circle का first quadrant में है उसका खाली हम area find out करते हैं. Then वो answer को हम multiply करते हैं 4 से. So we get area of entire circle. क्योंकि यहाँ पे सर्कल ऑब्जर्व किया तो डिवाइड हो रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में. तो हम खाली जो मैंने शेड किया है पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला उसका ही एरिया फाइंड आउट करते हैं एंड देन उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा इंटायर सर्कल का. सो देन एरिया कैपिटल ए इज इक्वल टू फॉर्मूला इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स. इसे हम रिप्लेस करेंगे. अब यहाँ पर हमारा लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट 5 है. तो हम लिखेंगे इंटीग्रल 0 टू 5 वाई. वाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें निकाली है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन इंटू डी एक्स. तो ये हो गया अब हमारा फॉर्मूला कि जिसको मैं रिकॉल करता हूँ इंटीग्रल अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैं प्रूफ कर चुका हूं कि जिसका आंसर आता है एक्स बाय टू इंटू सेम रूट दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स अपॉन ए प्लस सी, वेर सी रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्रेजेंट केस में हमें मिलेगा एरिया कैपिटल ए इज इक्वल टू, प्रेजेंट केस में हमें फॉर्मूला को ऐसा लिखना पड़ेगा इंटीग्रल जीरो टू फाइव अंडर रूट 25 को हम लिखेंगे फाइव द होल स्क्वायर और एक्स को लिखेंगे एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब मैं ऊपर जो भी फॉर्मूला मैंने स्टेट किया वो यूज करता हूं तो उससे मुझे आंसर मिलेगा एक्स अपॉन टू सेम रूट, इसका मतलब हो गया फाइव द होल स्क्वायर माइनस एक्स द होल स्क्वायर देन प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, ए मीन्स नंबर, तो हमारे केस में मिलेगा फाइव स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ए की वैल्यू यहां पर है फाइव एंड देन वी यूज लिमिट फ्रॉम जीरो टू फाइव। अब हम क्या करेंगे, जहां पर एक्स है वहां पर सबसे पहला अपर लिमिट को रिप्लेस करते हैं, सो वी गेट फाइव अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ फाइव स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर प्लस 25 अपॉन टू साइन इनवर्स, एक्स को हम रिप्लेस करेंगे फाइव से, सो वी गेट फाइव अपॉन फाइव। सो ये हो गया हमारा अपर लिमिट कि जिसको मैंने एक्स की जगह पे रिप्लेस किया देन माइनस, अब मैं एक्स को रिप्लेस करूंगा लोअर लिमिट दैट इज जीरो से, तो हमें मिलेगा जीरो अपॉन टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फाइव द होल स्क्वायर माइनस जीरो द होल स्क्वायर, फाइव द होल स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स ब्रैकेट जीरो अपॉन फाइव स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, सो इज इक्वल टू फाइव अपॉन टू, फाइव स्क्वायर हो गया 25 माइनस अगेन फाइव स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 जीरो, जीरो का रूट आया जीरो प्लस, उसके बाद हमें मिला 25 अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स ब्रैकेट, फाइव फाइव कैंसल हो रहे ऑब्जर्व किया तो हमें आंसर आया वन, देन माइनस जीरो अपॉन टू हो गया जीरो, जीरो से हम रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आएगा जीरो, देन माइनस प्लस माइनस ये हो गया हमारा टर्म 25 अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स जीरो अपॉन फाइव जीरो हो गया और साइन का आंसर जीरो का पता है जीरो में, सो फाइव अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय जीरो उसका आंसर हो गया जीरो प्लस 25 अपॉन टू इंटू साइन का आंसर वन आता है पाई बाय टू में एंड देन रिमेनिंग टर्म माइनस जीरो माइनस जीरो, सो ये सॉल्व करके मुझे मिला 25 पाई अपॉन फोर स्क्वायर यूनिट्स, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया कैपिटल ए इज इक्वल टू फोर इंटू, अभी जो एरिया मैंने फाइंड आउट किया हो दैट इज 25 पाई अपॉन फोर, ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन फोर फोर कैंसल हो रहे तो हमें आंसर आया 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स।
सो इसी तरह मैंने प्रॉब्लम नंबर टू को कंप्लीट किया। प्रॉब्लम नंबर टू था फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 कि जिसका आंसर मुझे मिला 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अब सेम क्वेश्चन अगर आपको जे डबल ई में सॉल्व करना है तो जे डबल ई के लिए आप सिंपली 10th का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आपको क्या करना है, खाली सर्कल के इक्वेशन से रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो प्रेजेंट केस में सर्कल का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहां से मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू मिली 25 एंड देयरफॉर मुझे मिला आर इक्वल टू 5। और ए आर की वैल्यू 5 अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूला में रिप्लेस करता हूं, दैट इज ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सो इज इक्वल टू पाई इंटू 5 होल स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर क्या आता है 25, सो 25 इंटू पाई। सो इन बोथ केसेस वी गेट सेम आंसर। तो जे डबल ई के प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।